नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के एम्स थाना क्षेत्र में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक युवक विदेश में नौकरी करता है। उसकी पत्नी गोरखपुर में ही किराए के मकान में रहती है। उसने एम्स क्षेत्र में जमीन खरीदने के लिए प्रॉपर्टी डीलर से बात कर पैसा भेजा। जमीन के सौदा को अंतिम रूप देने के लिए प्रॉपर्टी डीलर के पास पत्नी भी जाती थी। जालसाज ने पैसे तो ले लिए और साथ ही पत्नी को भी अपने साथ उड़ा लिया। तो क्या कुछ है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। गोरखपुर से एक बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पति ने यूपी पुलिस से गुहार लगाई है, जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएगी। दरअसल पीड़ित ने एसपी सिटी को बताया कि वो कुशीनगर का रहने वाला है। पत्नी शहर में रहना चाहती थी, इसलिए वो पत्नी को गोरखपुर लाया। यहां पत्नी एम्स क्षेत्र में एक किराए के मकान में रह रही थी। अच्छा पैसा कमाने के चक्कर में वो विदेश चला गया। वहाँ से वो पत्नी को नियमित पैसे भेजता था, पत्नी रोज बात करती थी। इस दौरान दोनों ने एम्स क्षेत्र में ही एक जमीन खरीद कर घर बनवाने और यहीं पे कारोबार करने का फैसला लिया। युवक ने बताया कि एक प्रॉपर्टी डीलर से बात हुई तो उसने कहा कि एक जमीन है, 80 लाख रुपए देने पर आपको मिल जाएगी। पीड़ित ने बताया कि मैं प्रॉपर्टी डीलर के बताए खाते में पैसा डाल दिया और आकर जमीन की रजिस्ट्री करा ली। रजिस्ट्री के बाद जब जमीन के खारिज दाखिल कराने के लिए गया तो पैच फंस गया, वो जमीन सीलिंग की निकली। ये सुनते ही मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। यही नहीं, जमीन का सौदा करते करते मेरी पत्नी का प्रॉपर्टी डीलर से नजदीकी संबंध हो गया। पत्नी प्रॉपर्टी डीलर का ही पक्ष लेने लगी। कार्रवाई के लिए थाने पहुंचने पर पत्नी ने प्रॉपर्टी डीलर को फोन कर दिया। वो मेरे किराए के मकान पर आया और मेरी पत्नी को अपने साथ लेकर चला गया। ऐसे में न तो मेरी जमीन हुई और न ही पत्नी। वही एसपी सिटी ने मामले की जांच सीओ कैंट को सौंपी है। तो देखा आपने किस तरह एक पति को ना ही जमीन मिली और ना ही पत्नी। वहीं संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि पीड़ित युवक से शिकायत मिली है, मामले में की जांच सीओ कैंट को सौंपी गई है। जल्दी सच्चाई सामने आएगी, उसके बाद साक्ष्यों के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।